हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के खरगोन में सीएए के समर्थन में आम सभा और राष्ट्रगान का आयोजन डायवर्सन रोड स्थित चावला ग्राउंड पर संपन्न हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में जिले भर से आए लोग शामिल हुए। आयोजन में मंचासीन संत समुदाय का सम्मान कर भारत सुरक्षा मंच प्रमुख द्वारा आम सभा को संबोधित किया गया। भाजपा आरएसएस सहित भारत सुरक्षा मंच ने आयोजन की रूपरेखा बनाकर सीएए के समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी के इस कदम की सराहना की। संत समुदाय के गिरिराज जी महाराज ने कहा कि भारत के अल्पसंख्यकों की नागरिकता प्रभावित नहीं होगी, कुछ कतिपय लोग इसे राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को बहका रहे। इस आयोजन को लेकर शहर भर के मुख्य मार्गों पर पुलिस सुरक्षा में तैनात रही। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सीए को लेकर समर्थन में रैली निकालना पड़ रही है, साधु संतों को भी क्या लग रहा है आपको? इसका दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो लोग चुपके चुपके चोरी छुपे आ जाते हैं और देश का नुकसान करते हैं, उसके समर्थन में जो लोग भी हैं, जो पार्टियां हैं, बड़ी निंदनीय है और अशोभनीय है। उन लोगों को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है तो हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे देशवासी। विशेष करके तो वो सज्जन लोग जिन्होंने इनके 70 वर्ष से कारनामे देखे हैं, आज मैंने कल कुछ ऐसे एक वयोवृद्ध जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं कि अब परिचय होगा कौन किसके साथ में है। ये साथ में वाली बात तो बड़े अशोभनीय हो गई है। अभी तो हम हिंदू नौजवानों को कहेंगे इसको सुनो, ये कितनी गद्दारी बात करते हैं कि किस प्रकार से कौन के साथ में है ना। तो अभी तो कब समर्थन हमारा मुख्यमंत्री कब से है? मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कहते हैं हम यहाँ लागू नहीं करेंगे, क्या क्या लगता है करेंगे? उससे क्या होता, उनके कोई बस की बात है क्या? पूरे देश में लागू होगा और नहीं लागू करें तो उनकी वो जाने, परंतु समर्थन में हम लोग हैं ही। आगे समय आएगा जब देखेंगे है ना, जिस कौन किसके समर्थन में है। मंच पर विराजित प्रातःस्मरण संत समाज को मैं परिचय करवा रहा हूँ। हमारे बीच आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित संत समाज के सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग संत संत श्री कृष्णानंद जी महाराज बजरंग मंदिर बमनाला से पधारे हैं। साथ ही संत श्री 1008 रदगिरी जी महाराज जगन्नाथ धाम महेश्वर से, उनकी भी उपस्थिति आज हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए। संत श्री भवानी शंकर जी महाराज जो आपके ही खरगोन नगर में हमेशा आपके लिए आशीर्वाद के लिए उपलब्ध रहते हैं, कालिका मंदिर खरगोन से। इसी प्रकार संत श्री रूप सिंह खरते महाराज, आभार प्रकट करता हूँ। माताएं बहने और हिंदू जागरण मंच उपस्थित हुए हैं और हम सभी आज एक ही उद्देश्य रखते हैं कि ये देश में पूरा संदेश पहुँचे कि भारत के नागरिक सीएए जो कानून संशोधन हुआ है अभी पूर्णतः समर्थन में है और राष्ट्रगान के पश्चात ये जो लागू हुआ है ये बहुत यहाँ से राष्ट्रगान के पश्चात सब अपने गंतव्य पर जा सकेंगे। राष्ट्रगान के लिए कदम हुआ है भारत मंच से, यह देश के लिए बहुत बड़ा, ईश्वर ने हमें मौका दिया है और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जो लाए हैं उसका समर्थन। पहली बात तो कानून को समझो, आप समझने के बाद में अपने विचार, बड़े बड़े ज्ञानी हैं हिंदुस्तान में, उनके पास जाकर इसके बारे में जानकारी। यह ना हिंदू के लिए है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई के लिए, ये सभी के लिए। और जहाँ पर मुसलमानों की जिंदगी गुजरी है भाई साहब, मुसलमानों को यहाँ से कोई बाहर नहीं भेज सकता। मेरे बाप दादा पूर्वज की जमीन के ऊपर मरने के बाद भी है, तो मैं यहीं रहूँगा।
उनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरा दादा जिस तरह से विरोध हो रहा है, मुस्लिम समाज कह रहा है कि हमारे विरोध में है ये कानून, विपक्ष वाले उनका काम है गुमराह करने का, और गुमराह मुसलमानों को नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए आपको कि ये कानून है क्या, जब तक हम नहीं समझेंगे तो इसको गुमराह करने वाले हमें खूब अच्छी तरह से गुमराह करें। क्या लगता है आपको कौन लोग विरोध कर रहे हैं इसका? देखिए जो विपक्ष में है पार्टी जितनी भी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, जितनी भी विपक्ष है उनका काम ही है गुमराह करने का। निर्वाचन में नागरिकता संशोधन CAA के समर्थन में हम सभी बड़वा तहसील से हिंदू जागरण मंच की ओर से सभी वीरांगनाएं और सभी कार्यकर्ता खरगोन जिले की तिरंगा रैली में उपस्थित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के समर्थन में, जो उन्होंने नागरिकता संशोधन जारी किया है, उसके समर्थन में हम सभी लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं। और मैं सभी से कहना चाहूंगी कि ये जो नागरिकता संशोधन है, यह किसी की नागरिकता छीनने का नहीं है, यह सभी को नागरिकता देने का है। तो समर्थ संविधान में हम सभी समर्थ संविधान के लिए समर्थन करना चाहेंगे, और CAA के संबंध में हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। यह संविधान का हम लोग सभी पालन करते हैं, संविधान को पूछते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ हैं हम सभी लोग, और CAA का समर्थन कर रहे हैं हम सभी लोग हिंदू जागरण मंच से मैं सोनाली पवार और मेरी सभी